प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अरविंदो की 150वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ की धान की 3 किस्मों में मिले कैंसर रोधी तत्व, बार्क और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के शोध में हुआ खुलासा। मुख्यमंत्री पहुंचे बसना विधानसभा क्षेत्र, शिकायत मिलने पर बसना के तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के दिए आदेश। और छत्तीसगढ़ सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 17 दिसंबर को राज्य में मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ गौरव दिवस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री अरविंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुद्दुचेरी में कम्बन कलाई संगम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि देश हमेशा श्री अरविंदो के महान योगदान के लिए आभारी रहेगा। श्री अरविंदो का 150वां जन्म वर्ष पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उनकी प्रेरणाओं को, उनके विचारों को हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए देश ने इस पूरे साल को विशेष रूप से मनाने का संकल्प लिया था। इसके लिए एक विशेष उच्च स्तरीय कमेटी गठन की गई थी। संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में तमाम अलग अलग कार्यक्रम भी हो रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने श्री अरविंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। गौरतलब है श्री अरविंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था। वे एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। छत्तीसगढ़ के चावल की 3 किस्मों में कैंसर सेल को नष्ट करने की क्षमता पाई गई है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के सहयोग से इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है। अब तक के अनुसंधान में ये पाया गया है कि छत्तीसगढ़ में होने वाली चावल की 3 प्रजातियां कैंसर रोगियों के लिए लाभदायक है। ये किस्में गठुआ रोग में भी लाभदायक है। इलायचा, महाराजी और गठवन, ये तीनों छत्तीसगढ़ में उत्पादित होने वाले धान की काफ़ी पुरानी प्रजातियां हैं जिसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अब तक संजो कर रखा है। विश्वविद्यालय के दिवंगत वैज्ञानिक डॉक्टर आर एच रिछारिया ने अपने शोध में धान के इन किस्मों का वर्णन कर अनेक औषधीय गुण होने की जानकारी दी थी। इन्हीं जानकारियों के आधार पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने धान के 13 किस्मों को रिसर्च के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भेजा था। विश्वविद्यालय अनुसंधान सेवा के निदेशक डॉक्टर विवेक त्रिपाठी ने बताया कि अगर ये परीक्षण सफल होता है तो जल्द ही इसे बाजारों में भी उपलब्ध कराया जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आनुवांशिकी और पादप प्रजनन के विभाग अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय में अब तक धान की 23,250 किस्मों का संग्रहण किया जा चुका है। निरंतर प्रगति पे है और शोध कार्य चल रहा है हमारे जो सहायक इंस्टीट्यूट हैं और जल्दी ही हमको उनके परिणाम प्राप्त हो जाएंगे कि वाकई में ये सत्य है कि नहीं, क्योंकि अभी परिणाम जो है हम लोगों को इंतजार है, क्योंकि समय लगता है और कई प्रक्रियाओं के दौरान जो है ये सत्यता जो है साबित करनी होती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने इससे पहले भी शुगर, वात रोग और कई बीमारियों से लड़ने वाली धान की किस्मों का आविष्कार किया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बसना विधानसभा क्षेत्र में 64 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आज महासमुंद जिले के बसना विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। उन्होंने बसना के ग्राम पिरदा और ग्राम गोपालपुर में आम जनता से भेंट मुलाकात की और राज्य शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बसना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर में आयोजित समारोह में बसना को अनुविभागीय कार्यालय का दर्जा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री इसके बाद पिरदा गांव पहुंचे और लोगों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि राजीव गांधी किसान योजना की चौथी किश्त 31 मार्च से पहले जारी कर दी जाएगी। इस दौरान तालाब का गलत बंटवारा करने की शिकायत मिलने पर उन्होंने बसना के तहसीलदार राम प्रसाद बघेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के एक महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट, कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर, कभी बारिश कभी बिजली कभी ओला कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो डर ना फिकर की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC जानकारी दे दिए, बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर, कभी बारिश कभी बिजली कभी ओला कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC कहे साथ तो डर ना फिकर की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 17 दिसंबर को शासन द्वारा छत्तीसगढ़ गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस दिन राज्य के सभी गौठानों, सहकारी सोसाइटी परिसरों, धान खरीदी केंद्रों, तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्रों के अलावा हाट बाजारों, नगरीय क्षेत्रों के वार्डो में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से शासन की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री राज्य की जनता के नाम संदेश भी देंगे। छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के आयोजन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 17 दिसंबर 2018 को कामकाज शुरू किया था। जांजगीर चांपा जिले में लंपी वायरस को लेकर पशुधन विभाग अलर्ट है और पशुओं को इस वायरस से बचाव के लिए टीका भी लगवाया जा रहा है। जिले के बलौदा ब्लॉक से 3 और बमनीडी ब्लॉक से 2 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जिले में लंपी के साथ खुरहा चपका बीमारी को लेकर भी विभाग के द्वारा पशुओं को टीका लगाया जा रहा है। पशुधन विकास विभाग के डॉक्टर और कर्मचारियों के द्वारा गौशाला के साथ ही पशुपालकों के घरों में जाकर पशुओं को टीका लगाया जा रहा है। पशुपालक किसान भी विभाग के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। जब भी मैंने जैसे टीका उका जरूरत रहते ना तो मैंने आके अपन लगाते हैं जो जो के टीका की जरूरत है। मान लो जैसे मान लो अभी जो ओलंपिक के थे कल लगाए है, जो खुरहा उरहा के लगते वाला लगाते हैं, एक बार वहाँ सावन में लगते टीका, वो भी ला के लगाते हैं, सब लगते टीका समय समय में। पशुधन विकास विभाग के सहायक संचालक केपी पटेल ने बताया कि जिले में लगातार मवेशियों को टीका लगाया जा रहा है। जिले में अभी लंपी वायरस की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विभाग अलर्ट है और गांव-गांव जाकर पशुपालकों से संपर्क कर टीका लगाया जा रहा है। केस नहीं है, लेकिन हम लोग लगातार इसके लिए प्रयास हैं। पहले ये वेक्टर जनित रोग है, टिक स्लाइस, इनके जो इनको डिटिकिंग प्रोग्राम पहले चलाया गया है, अभी भी किसानों को अलर्ट किया जा रहा है। धुआं वगैरह शाम को करके मच्छर मक्खियां जो और जो चीज़ें जिससे ये फैलती हैं उनको ये रोकथाम का प्रयास, और साथ ही ज़िले में लगातार अभी लंपी वायरस का टीकाकरण किया जा रहा है। गौरतलब है कि ज़िले में 3 लाख से अधिक मवेशियों को खुरहा चपका से बचाने के लिए टीका लगाया जा चुका है। काशी तमिल संगमम के तहत वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बस लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। इस पहल से अलग अलग तरह की किताबों तक पाठकों की पहुंच और आसान हो गई है। इस संबंध में पेश है डीडी न्यूज की ये रिपोर्ट। काशी तमिल संगमम का एक बड़ा पार्ट है नेशनल बुक ट्रस्ट, उसने यहाँ पे ये लाइब्रेरी बस लगा रखी है। एक छात्रा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, ये लाइब्रेरी बस से आप लोगों को क्या फायदा लग रहा है? काशी तमिल संगमम चूंकि चल रहा है, यहाँ पे अनेक प्रकार की किताबें रखी हुई हैं, कुछ मोटिवेशंस हमें दे रही हैं, कुछ हमें देश के बारे में समझा रही हैं, तो यहाँ पे छात्राओं को बहुत तरीके के लाभ हैं। यहाँ पे हम अपनी किताबें पढ़ सकते हैं, अपने करियर के बारे में जान सकते हैं। काशी तमिल संगमम के तहत ये लाइब्रेरी बस लगाई गई है, इससे आप शिक्षकों और छात्रों को क्या फायदा देख रहे हैं? बस पर भारतवर्ष के जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जितने प्रदेश हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, अपने देश के बारे में, हर प्रदेश के बारे में सारी किताबें दिखाई दे रही हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, भूमि जहांगीर भाभा हुए, सबके बारे में बच्चे बड़े इंटरेस्ट से पढ़ भी रहे हैं और उनके बारे में समझ भी रहे हैं। इससे पहली बार हुआ कि लाइब्रेरी खुद बच्चों के पास चल कर आई है। गौरतलब है कि काशी और तमिलनाडु का प्राचीन काल से अटूट संबंध रहा है। काशी तमिल संगमम उत्सव दोनों राज्यों के ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ने और नागरिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अरविंदो की 150वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ की धान की 3 किस्मों में मिले कैंसर रोधी तत्व, बार्क और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के शोध में हुआ खुलासा। मुख्यमंत्री पहुंचे बसना विधानसभा क्षेत्र, शिकायत मिलने पर बसना के तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के दिए आदेश। और छत्तीसगढ़ सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 17 दिसंबर को राज्य में मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ गौरव दिवस। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।